तो अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ हाफिज दिलशाद अहमद भट्टू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अम्मा बादु फाऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ताहा दिशान वालिया ताहा दिशान वालिया अरशां ते जान वालिया अरशां ते जान वालिया ताहा दिशान वालिया शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले बल्ले शान तेरी बल्ले 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 रब भी सलाम गल्ले दुश्मन दे पैरा थल्ले चा तेरा भी शान वालिया अरशां ते जान वालिया ताहा दिशान वालिया तज़करे ने आम तेरे तज़करे ने आम तेरे होंदे सुबह शाम तेरे तज़करे ने आम तेरे होंदे सुबह शाम तेरे तज़करे ने आम तेरे होंदे चौबी घंटे तेरे तज़करे ने आम तेरे होंदे सुबह शाम तेरे फलकां ते जान वालिया ताहा दिशान वालिया हमदो सना अल्लाह जल्ला जलालुहु दी पाक बाबरकत ज़ात वास्ते दरुदो सलाम ताजदारे अंबिया हबीबे किबरिया खातमुल अंबिया इमाम आज़म जनाबे मुहम्मदुर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सब तो पहली गल जिन्हें नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ते दरूद पढ़ना है सिर्फ ओ ही इत्थे बैठे दूसरे नूं बैठने की इजाजत नहीं क्यों ये महफल नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे नवासियां दे नां ते सजाई गई है ते सारियां नूं बोलना चाहिंदा है नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दा नां सुनते वैसे तुसी बड़ा बोलते हो हुक्मराना दा नां सुनते कदे किंदा नां सुनते लेकिन अज मैं वेखना है नबी पाक दा नां सुनते कौन बोलदा है कौन नबी पाक ते दरूद पढ़दा है जनाबे मुहम्मदुर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़िबाकार मैं इंशाल्लाह चंद मिनट सहाबा इकराम दे नवाते गुफ्तगू करना चाहना ज्यादा देर नहीं तुसी देख रहे हो माशाल्लाह मसले के अहले हदीस दे नाम और शख्सियत आलमी शोरे याफ्ता हजरत मौलाना अलामा नासिर मदनी साहब स्टेज ते मौजूद ने उन्हां दी मौजूदगी दे अंदर सिर्फ इंशाल्लाह 5 मिनट ही गुफ्तगू होएगी मगर इंशाल्लाह गुफ्तगू होएगी थोड़ी तवज्जो करोगे समझ भी आएगी ते इंशाल्लाह मजा भी आएगा जरा तवज्जो ना बैठे जे नबी पाक दे ना सुनते कोई साथी खामोश ना बैठे तवज्जो ना नबी पाक दा ना सुनो फिर उस ते दुरूद भी पढ़िया जे हबीबी किबरिया खातमुल अंबिया इमामे आजम जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नाज़िल होण वाला कुरान ऐलान फरमा रहा है। फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। फरमाया जड़े अल्लाह ताला ने अपने महबूब जनाबे मुहम्मद नो सहाबाई कराम अता फरमाए, जड़े नबी पाक नु यार अता फरमाए, वो सारे बड़े बहादुर बड़े दलेर काफरां ते दलेर आपस दे अंदर प्यार ते मुहब्बत वाले नबी पाक दे यार ने। अदवे ते सही ना जरा तवज्जो कर ते सही ना, मैं एक दो वाक्या सुना ते मैं गल नु खत्म करना चाहना वा। नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दा यार बड़ा वफादार है, जिन्हों लोग याद करदे ने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे नाते। नबी पाक दा बड़ा प्यारा सगा पिगे रसूल, नबी पाक दा बड़ा जनाब वफादार है। नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक दे बारे फरमाया है, फरमाया लोगों जन्नत दे अंदर नबियां दे अंदरों रसूलां दे अंदरों सब तो पहले मैं मुहम्मद जन्नत दे अंदर जावांगा, पर सारे नबियां दियां उम्मतां दे अंदरों जिन्हें सब तो पहले जन्नत अंदर जाना है ओ मेरा अबू बकर है। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दा यार सैयदना हजरत अबू बकर सदीक। इत्थे मैनूं इक गल याद आई, लाहौर यकम मुहर्रम वाले दिन एक जाकर शहनशाह नकवी उन्हें जनाब सैयदना हजरत अबू बकर सदीक के बारे बकवास की थी। उन्हें सैयदना हजरत अबू बकर सदीक को बुरा भला किया, उसके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायदे मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब केस भी लाड़िया ने, दुआ करो जल्दी जल्दी उसनु पटा पाया जाए। बोलो कहो आमीन। जै सहाबा इकराम ते तबर्रा करे उनु जल्दी जनाब जेलां दे अंदर बंद किया जाए। तुसी इस हक अंदर है ना, जरा तवज्जो करो सहाबा इकराम नु मनन वाले हो, जरा तवज्जो ना बैठा जे जिथे मुआविया दी गुस्ताखी होए मुआविया नु मनन वाले हो बोलो ओनु जोन जेलां नु ले जाना चाहिंदा के नहीं। तो जो करया जे अज मैं वैसे मिसाल देने लगा, अज मैं इत्थे खलोते ना किसी हुक्मरान नु कह देवा यार नवाज शरीफ चंगा नहीं दा, शहबाज शरीफ चंगा नहीं दा, इमरान खान चंगा नहीं दा, उन्होंने कहना जी इनू पकड़ लवो इनू जेलां दे अंदर बंद कर दो, इनू हथ कड़ियां ला दो, इनू कुट्टो इनू मारो, इनकी जनाब तुसी ना पी कढ़ दिओ। उन्होंने अपनी इज्जत महफूज है, लेकिन जो सहाबा इकराम के बारे बकवास की जाती फिर आने लै जी मुल्क का मसला है, ये मुल्क का मसला नहीं। चंद दिन पहले सवीतन के अंदर कुरान मजीद की तोहीन की गई, उदो भी जल्दी हुक्मरान नहीं बोले, पर याद रखो जिथे कुरान मजीद की तोहीन होएगी असि इंशाला पहुंचांगे। अगर हुकूमत ने कोई तरजीह ना दी असि इंशाला उन्होंने मुकाबले अंदर निकलांगे। कुरान वास्ते निकलन तैयार हो, कुरान मनन वाले हो, कुरान की खातर जाना देने वास्ते तैयार हो, तेरा ज़ियारत कराओ हाथ चौक ते सहाबा इकराम का दिफा करने वास्ते भी तैयार हो। सहाबा इकराम का जिथे कोई ना कोई जनाब गुस्ताखी होए उतों की को जनाब हुकूमत को पैगाम दिता जाए, वो खुद ही उन्होंने जनाब पटा डालन दे। इतना मैं अपना शान मुस्तफा अंदर हिस्सा ही पाना सी, क्योंकि शान मुस्तफा बड़ा ही जनाब वसीम मौजू है, ये मिनटा सकिंटा अंदर तो बयान हो नहीं सकता, ये रात भी लंघ जाए फिर भी बयान ना होए, ये महीना भी लंघ जाए फिर भी बयान ना होए। मैं इन्होंने लफ्जा से अपनी गुफ्तगू खत्म करना वमाले ने बना दूँ।